जी तो कैसा? अगर क्वेश्चन आ जाए कि हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन -11 to 11 और 2 और 3 के, तो इसमें आंसर 15 आएगा। चलो अगला क्वेश्चन जो दिया था वो करते हैं। अगला क्वेश्चन था ये है, इफ एन इज ए होल नंबर कौन सा होते हैं जो 0 से स्टार्ट होते हैं। कह रहा है ग्रेटर देन 1, कंडीशन लगा दी, देन एन स्क्वायर माइनस 1 इज ऑलवेज डिवाइड बाई, तो इसमें वैल्यू रखते हैं 1 से बड़ी रखनी है, 2 रखते हैं पहले। फोर इंटू 3 आ जाएगा, 3 रखेंगे, तो 4 रख के भी देख लो। अच्छा ये बताओ 15 और 16 का मल्टीपल मल्टीप्लाई करके कितना आएगा। अब देखो इनमें से बताओ, ये सारे नंबर 12, 72 और 240 कौन से ऑप्शन से डिवाइड हो जाएंगे। 12 से हो जाएंगे, ये पार्ट आंसर आ जाएगा। ये जो 16 और 15 का मल्टीप्लाई किया था कौन से, ये कल वाले ट्रिक से किया था। क्या है ट्रिक, 16 को 5 में जोड़ा 21 हो गया, फिर पीछे 0 लगा दिया और इसको मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं, ये 240 आ गया। चल इसका आंसर क्या आया, ये मुझे क्वेश्चन ही समझ आया। अच्छा कह रहा है कि टू ऑब्टेन द प्राइम नंबर लेस देन 121, अगर हमें 121 से छोटे प्राइम नंबर चाहिए तो वी आर टू रिजेक्ट ऑल द मल्टीपल्स ऑफ 2, 3, 5, 7। देखो हमने कल किया था कि अगर कोई नंबर हमें चेक करना है कि वो प्राइम है कि नहीं, तो क्या करते हैं, पहले उसके पास का स्क्वायर लिखते हैं, फिर उससे छोटे सारे प्राइम नंबर लिखते हैं, उसके बाद इससे इसको डिवाइड करके देखते हैं कि ये 2 से नहीं होगा, 3 से नहीं होगा, 5 से नहीं होगा, 7 से नहीं होगा, तो ये क्या हो गया, ये प्राइम हो गया। तो यही पहला ऑप्शन कह रहा है कि अगर हमें पता करना है कि 121 प्राइम है कि नहीं, तो हमें सारे के सारे मल्टीपल रिजेक्ट करने पड़ेंगे जो 2, 3, 5, 7 के हैं। तो पहला ऑप्शन क्या हो गया, सही। दूसरा कह रहा है कि एवरी कंपोजिट नंबर लेस देन 121 इज डिविजिबल बाई ए प्राइम नंबर लेस देन 11। Every composite number less than 121. Composite number क्या होते हैं? Number greater than 1 which are not prime is called composite number. तो पहला composite number क्या था? 4. दूसरा 6. तीसरा 8, 9. ये composite number है. तो कह रहा है कि every composite number less than 120 is divisible by a prime number less than 1. 11 से छोटे prime number क्या होंगे? 2, 3, 5, 7. देखो ये 2 से कट जाता है, ये 2 से 3 से कट, ये 2 से कट जाएगा, 9 से कट जाएगा। अब एक नंबर प्राइम नंबर 15 ले लो, ये 5 से, तो हर कोई नंबर जो है इनसे कटेगा ही कटेगा, 121 से छोटा जो कंपोजिट नंबर होगा। तो आपका आंसर क्या आने वाला है कि ये भी सही है। तो अब कौन सा आंसर लगाएंगे, ओनली 1, बी पार्ट आ जाएगा, बोथ 1 इंटू, सी पार्ट आ जाएगा। तो ये काफी अच्छा क्वेश्चन था, अभी लग गया समझ कोमल। हाँ जी सर। चलो ये क्वेश्चन का आंसर बताओ क्या लगाएगा। इसका ऑप्शन डी डी लगाया। इफ के इज ए पॉजिटिव इंटीजर देन एवरी स्क्वायर इंटीजर इज अ फॉर्म ऑफ, तो स्क्वायर लिख लो। देखो स्क्वायर कौन होता है, 4 होता है स्क्वायर, 9 होता है, 25 होता है, 30, ये सब स्क्वायर है। एवरी स्क्वायर ये 2 का होता है, ये 3 का होता है, ये 5 का होता है, ये 6 का होता है। अब कोई भी स्क्वायर देखो, उसे या तो आप 4 के की फॉर्म में लिख दोगे, 4 बन जा 4, या फिर उसे आप 4k+1 की फॉर्म में, यहाँ पे देखो 4 2 या 8+1 9 हो जाएगा, ऐसे यहाँ पे 4k+1 हो जाएगा, क्योंकि 4 6 या 24 हो जाता है, प्लस 1 करोगे तो 25 हो जाएगा, ऐसे ये 4 9 या 36 हो जाएगा। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, 4k और 4k+1, किसी भी स्क्वायर को आप 4k या फिर 4k+1 की फॉर्म में लिख सकते हैं, तो आंसर आ जाएगा डी पार्ट। ये ट्रिक होती है स्क्वायर की, जैसे अगर कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर है तो वो हमेशा ही 4 से या तो पूरा का पूरा कट जाएगा, डिविजिबल हो जाएगा, या फिर रिमाइंडर बचेगा। ये बहुत अच्छी ट्रिक है,
कि कोई भी स्क्वायर ले लो, चाहे देखो 121 ले लो, इसको 4 से भाग लगाओ तो ये आपका 30 बार पूरा पूरा कट जाएगा और 1 रिमाइंडर बचेगा। कोई भी स्क्वायर ले लो, या तो वो 4 से पूरा कटेगा या रिमाइंडर 1 बचेगा। इससे हम पता लगा सकते हैं कि वो परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं। चलो इसका क्या लगाया? कह रहा है एवरी प्राइम नंबर ऑफ द फॉर्म 3K+1, तो 3K+1 की फॉर्म का प्राइम नंबर चाहिए। तो पहले इसमें के की वैल्यू 1 रख के देखो, तो 3 × 1 + 1 तो 4 हो जाएगा, ये तो प्राइम है ही नहीं। के की वैल्यू 2 रख के देखो, 3 × 2 + 1 तो 6, 7 हो जाएगा, ये प्राइम है। ठीक, के की वैल्यू 3 रख के देखो, 3 × 3 + 1 ये तो इवन में दे रहा है, ये गलत हो गया। के की वैल्यू 4 रख के देखो तो ये 13 आ गई, ये प्राइम है। तो क्या कह रहा था क्वेश्चन, के एवरी प्राइम नंबर ऑफ द फॉर्म 3K+1, प्राइम नंबर जो 3K+1 की फॉर्म में हो, तो ये आ रहा है, ये आ रहा है। कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ 6M+1। ऑफ कोर्स यहाँ पे आप लिख सकते हैं 6M+1, देखो 6 × 1 + 1 ये क्या हो जाएगा, 7। ऐसे इसे 13 को भी लिख सकते हैं 6M+1 की फॉर्म, तो हो जाएगा 6 × 2 + 1, ये हो जाएगा 13। तो कह रहा है कि तो के की वैल्यू क्या होगी, के की वैल्यू देखो यहाँ पे जब इवन होगी तभी 3K+1 6M+1 की फॉर्म में लिखा जा सकता है, और कभी नहीं। तो यहाँ पे आंसर इवन आ जाएगा, के इज इवन। अगर के की वैल्यू इवन होगी तो ही वो 3K+1 6M+1 की फॉर्म में लिखा जा सकता है। और क्वेश्चन नंबर देखो 20 दिया था, इफ द प्रोडक्ट ऑफ 4864 × 9P2 इज डिविजिबल बाई 12, द वैल्यू ऑफ पी। तो सबसे पहले 12 के फैक्टर कर लो, 12 के फैक्टर क्या होंगे, 3 × 4। तो ये नंबर देखो, ये 4 से डिवाइड हो जाएगा। ये आज हम इसको कंसेप्ट को और अच्छे से करेंगे, फिर इन दोनों क्वेश्चन को कर लेते हैं। आज कुछ कंसेप्ट करते हैं, फिर इन दोनों को अच्छे से कर लेते हैं और अच्छे से समझ आए। तो अब शुरू से आज नए कंसेप्ट शुरू करते हैं। जैसे अगर मैं 2 से 7 में डिवाइड करूं तो 3 बार भाग जाएगा और 1 रिमाइंडर बचेगा। तो जिससे भाग लगाते हैं उसे बोलते हैं डिवाइजर, जो भाग दे के आ जाता है उसे बोलते हैं कोशेंट, और जो भाग दे के बच जाता है उसे नीचे बोलते हैं रिमाइंडर, और जिसमें भाग देते हैं उसे बोलते हैं डिविडेंड। अब कमाल की बात यह है कि अगर इस 2 को मैं इस 3 से मल्टीप्लाई करके 1 जोड़ दूं तो ये 7 के बराबर हो जाएगा। तो ये बहुत बढ़िया फॉर्मूला बन जाता है। ये 2 क्या है, डिवाइजर, 3 क्या है, कोसेंट, और 1 क्या है, रिमाइंडर, और 7 क्या है आपका, डिविडेंड। ये फॉर्मूला बन गया, डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर इक्वल टू डिविडेंड। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन हमने करने, क्वेश्चन कह रहा है कि ए नंबर डिवाइडेड बाय 56, कोई एक नंबर है उसे अगर हम 56 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 29 बचता है। इफ द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 8 तो रिमाइंडर क्या होगा, ये क्वेश्चन है। तो इसमें हमें एक चीज देखनी है, इसके डायरेक्ट हम शॉर्ट ट्रिक करेंगे क्वेश्चन को करने की। इसमें हमें एक चीज देखनी है कि क्या नंबर इस फॉर्म में लिखे हुए हैं, पहले सबसे बड़ा लिखा होगा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। और हमेशा ही जब ये क्वेश्चन आएगा तो इस वाले नंबर से ये नंबर पक्का पूरा डिवाइड होगा। जैसे 8, 7 या 56 होता है, ये डिवाइड हो जाएगा। फिर आपका आंसर क्या आएगा, आप इस नंबर से इसको डिवाइड करो, जो भी रिमाइंडर बचेगा वो आपका आंसर होगा। 8 से 29 को आप डिवाइड कर दो तो डायरेक्ट आपका आंसर, रिमाइंडर आपका बच जाएगा बी पर। तो ये क्वेश्चन बहुत आता है पेपर में कि एक नंबर इतने से डिवाइड किया तो ये रिमाइंडर है, अगर उसको इतने से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा। तो सिंपल क्या है, जो पहले वाले में रिमाइंडर बच रहा होता है उसी को दूसरे नंबर से डिवाइड कर दो, जो रिमाइंडर बचेगा आंसर होगा। बोलो लगा समझ? यस सर। जी, तो अगला क्वेश्चन इसी फॉर्मूले से करके बताओ इसका आंसर क्या है।
डी पार्ट मतलब के 15 चलो करते हैं। कह रहा है इन्हें क्वेश्चन ऑन डिवीजन विद जीरो रिमाइंडर। रिमाइंडर क्या आ रहा है आपका? जीरो आ रहा है। एक कैंडिडेट टुक 12 एज डिवाइजर इंस्टेड ऑफ 21, उसको उसने गलती से 12 ले लिया, उसको 21 लेना चाहिए। द कोसेंट इज 35। अब देखो आपको फॉर्मूला पता है, डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर इक्वल टू डिविडेंड। ये दिया 12, ये दिया 35, रिमाइंडर 0 है तो यहाँ से डिविडेंड आ जाएगा। 12 को 35 में मल्टीप्लाई करके बताओ कितना आएगा? 390। हाँ देखो 12 को कैसे करें, 35 को एज्यूम करोगे 30 और 5 लिखकर, 12 को पहले 30 से करेंगे तो 360 हो जाएगा, 12 को फिर 5 से करेंगे तो फिर 60 हो जाएगा, तो 420 आ जाएगा। 420 आएगा। तो ये जो 420 है आपका डिविडेंड, अगर उसको ओरिजिनल जो 21 से डिवाइड करें तो कोएफिशिएंट कितना होगा यहाँ पे? ये डिवाइड करके बताओ आंसर क्या आएगा? सी आएगा, डी पार्ट आएगा। 20 बार भाग जाएगा, सी पार्ट आंसर आएगा। समय लगाए क्वेश्चन? हाँ जी। चलो ये क्वेश्चन बताओ करके क्या आएगा इसका आंसर? देखो ये क्वेश्चन है कि कोई डिवाइजर है वो पता नहीं दिया, नहीं एक्स मान लिया, उसको किसी डिविडेंड से डिवाइड करना है वो भी नहीं दिया, ए मान लिया, तो रिमाइंडर 24 आ रहा है, ये 24 ये दिया। फिर कह रहा है कि अगर इसी डिविडेंड को डबल कर दिया जाए, ए को हमने 2a कर दिया और सेम डिवाइजर एक्स से डिवाइड किया जाए तो इसका जो है रिमाइंडर 11 बचता है, तो कह रहा है डिवाइजर एक्स की वैल्यू बताओ क्या होगी, ये क्वेश्चन है। तो देखो पहले तो करते हैं शॉर्ट ट्रिक, उसके बाद करेंगे डिटेल में। शॉर्ट ट्रिक क्या है कि जैसे ये जो नंबर है 24, इसका डबल करो, डबल करके आ जाएगा 48 और इसमें से इसका रिमाइंडर घटा दो तो आंसर आ जाएगा 37। अब देखो डिटेल में करते हैं, यहाँ पे मान लो y आ रहा है डिवाइड करके, यहाँ पे मान लो z आ रहा है, तो अपना वाला फॉर्मूला लगा दो, x by divisor into quotient plus remainder is equal to dividend, यहाँ भी लगा दो divisor into quotient plus remainder equal to dividend। अब देखो यहाँ पे एक ही वैल्यू है ना, ये x by plus 24 यहाँ उठा के रख दो इसको, एक ही वैल्यू x by plus 24, उसके बाद में xz प्लस 11, इसको 2 को अंदर मल्टीप्लाई करो तो हो जाएगा 48, फिर आ जाएगा एक्स जेड माइनस 2xy इक्वल टू 48 में से 11 घटा दो तो आएगा 37। अब इन दोनों में से x कॉमन ले लो, अगर इन दोनों में से x कॉमन लिए तो अंदर बचेगा जेड माइनस 2y इक्वल टू 37 और x बराबर 37 अपॉन जेड माइनस 2y, तो 37 क्या है? प्राइम नंबर है, तो इसके फैक्टर भी क्या होंगे? 37 इंटू 1 ही होंगे, मतलब ये आगे जाएगा नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि x जो हमारा डिवाइजर है वो कितना आएगा? 37। तो चाहे तो ऐसे कर लो या वो अपनी शॉर्ट ट्रिक थी उससे कर लो, आंसर क्या आएगा? 37।
समय लगा है क्वेश्चन? ओके, अब देखो, अब हम नेक्स्ट ट्रिक करेंगे जिसको बोलते हैं डिविजिबिलिटी कंसेप्ट। अभी हमने पढ़ा था डिवाइजिंग कंसेप्ट, अब पढ़ते हैं डिविजिबिलिटी कंसेप्ट। ये न्यू कंसेप्ट है इस चैप्टर का, डिविजिबिलिटी कंसेप्ट। तो कल हमने पढ़ा था कि प्लेस वैल्यू क्या होती है, फिर हमने पढ़ा फेस वैल्यू क्या होती है, फिर हमने पढ़ा कि नंबर क्या होते हैं और उनका पूरा का पूरा सिस्टम क्या होता है, नंबर सिस्टम पढ़ा। फिर हमने पढ़ा कि नेचुरल नंबर का सम, फिर हमने पढ़ा स्क्वायर नंबर का सम, फिर क्यूब नंबर का सम, फिर इवन नंबर का सम, फिर ऑड नंबर का सम पढ़ा, फिर हमने कंजक्टिव नंबर पढ़े, कंजक्टिव में भी हमने इवन पढ़े, ऑड पढ़े। तो कल हमने इतना पढ़ा था। जो नंबर सिस्टम था हमने उसमें नेचुरल, होल, प्राइम, इवन, ऑड, इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, ये सारे कुछ पढ़ लिए थे। तो आज हम उसी में आगे डिविजिबिलिटी पढ़ते हैं। तो देखो, सबसे पहले दो से डिविजिबिलिटी देखते हैं। अगर किसी भी नंबर के पीछे 0, 2, 4, 6, 8 ऐसे नंबर आए तो वो दो से डिवाइड हो जाएगा। तीन से डिविजिबिलिटी के लिए क्या करते हैं, डिजिट सम, उन डिजिट को जोड़ते हैं, डिजिट सम। जैसे एक नंबर ले लिया 3, 9, 3, 2, अब इसके सम को जोड़ो, 9 और 3 12, 12 और 3 15, 15 और 2 17। तो ये जो नंबर है वो 3 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि इसका सम 17 है। अगर ऐसा नंबर आता जो 3 के टेबल में है, जैसे 3, 6, 9, 12, 15, 18, तो ये डिवाइड हो जाता। अगर हम यहाँ पे 3, 3, 9, 3, 2 को अगर जगह 3, 3 करते हैं तो देखो ये पूरा पूरा कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 3 9, 3 एकम 3, 3 3 एकम 3। तो ये 3 से कटने लगेगा लेकिन ऐसे नहीं कटेगा। तो 3 की ट्रिक क्या हो गई, सम ऑफ द डिजिट। 4 की ट्रिक क्या है, डिवाइड लास्ट टू डिजिट, लास्ट टू डिजिट। ये ट्रिक है 4 की। जैसे एक नंबर ले लेते हैं, यही ले लेते हैं 3, 9, 3, 2। अब मुझे चेक करना है कि ये नंबर 4 से डिवाइड होगा कि नहीं। तो लास्ट के टू डिजिट देखो, ये 32 है, इसको 4 से भाग दो, 4 8 32। अब ये जो नंबर है 3, 9, 3, 2, ये पक्का 4 से कटेगा, चाहे आगे कुछ भी लिख दो इसके, 2, 1, 2, 3, 9, 3, 2, ये कटेगा ही कटेगा 4 से, क्योंकि इसके लास्ट के दो डिजिट 4 से कट देंगे। 5 की ट्रिक क्या होती है, अगर किसी भी नंबर के पीछे 0 लिखा है या 5 लिखा है तो वो 5 से कटेगा। 6 की ट्रिक क्या होती है, अगर कोई नंबर 3 से या 2 से कटता है तो वो 6 से कटेगा। 7 की ट्रिक क्या होती है कि यूनिट डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई, जैसे एक नंबर ले लेते हैं 343, यूनिट डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई करो, 3 2 6, और उसके बाद जो नंबर बचा उसमें से घटा दो। अब जो नंबर आता है या तो 0 आए या फिर 7 के टेबल में से कोई भी नंबर आए तो ये नंबर पूरा कटेगा। देखो 7 4 28 होता है, ये कट रहा है तो ये 343 भी पूरा कटेगा। अच्छा मुझे बताओ एक नंबर चेक करके, 3, 9, 3, 2, क्या ये 7 से कटेगा? तो पहले तो यूनिट डिजिट जो 2 है उसको 2 से मल्टीप्लाई किया, 4 आ गया। अब 393 में से ये 4 घटा देंगे, 389 आ गया। फिर से वही प्रोसेस रिपीट करो, 9 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो 18 आ जाएगा। अब 38 रिमेनिंग डिजिट में से घटाना है, रिमेनिंग डिजिट में से घटा दो, 19 बचा, 19 तो 7 के टेबल में आता ही नहीं है, तो ये 3932 7 से डिवाइड। तो 7 को डिविजिबिलिटी के स्टेप क्या है कि यूनिट डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई करो, दूसरा स्टेप रिमेनिंग डिजिट में से घटा। एट की ट्रिक क्या है, डिवाइड लास्ट 3 डिजिट। जैसे एक नंबर ले लेते हैं 2, 1, 5, 1, 2, अब लास्ट के 3 डिजिट डिवाइड करके देखो 8 से क्या होते हैं, 8 8 6 48, और फिर 8 4 32 64 आ रहा है। इसका मतलब ये नंबर चाहे आप कुछ भी लिख लो, 3, 9, 2, 1, 5 आगे कुछ भी जोड़ दो, ये जो है 8 से डिवाइड होगा ही होगा। ये इसलिए डिवाइड होगा क्योंकि इसके लास्ट के जो 3 डिजिट हैं वो 8 से डिवाइड हो रहे हैं। 9 की ट्रिक क्या है,
नाइन की भी और थ्री की ट्रिक सेम होती है, सम ऑफ द डिजिट। अगर डिजिट का सम करो और वो अगर नाइन के टेबल में आ रहा है तो वो नाइन से पक्का कटेगा। जैसे थ्री फोर थ्री ले लेते हैं, चार तीन सात और तीन दस, ये नौ के टेबल में नहीं आता है तो तीन नौ से कटेगा भी नहीं। दस की ट्रिक क्या है कि लास्ट में जीरो होना चाहिए। इलेवन की ट्रिक क्या है, एक एक डिजिट छोड़ के नंबर जोड़ो और उनके बाद उसके बाद उसको घटा दो। घटाने के बाद अगर जीरो बचता है या इलेवन के टेबल में तो कोई भी नंबर बचता है तो वो कट जाएगा। जैसे एक नंबर ले लेते हैं 1331, तो एक एक डिजिट छोड़ के जोड़ो, तीन और एक चार, तीन और एक चार, फिर इन्हें घटा दो तो आ गया जीरो। तो ये नंबर ग्यारह से कटेगा, ये ग्यारह का क्यू होता है। अब एक नंबर रैंडमली ले लेते हैं कोई 5 1 2 3 4 5, ये देखते हैं कि ये 11 से कटेगा कि नहीं। तो एक डिजिट छोड़ के जोड़ो 5 2 7 7 4 11, और फिर 3 1 4 4 5 9, और 11 में से 9 घटाया तो 2 बचा, ये नहीं कटेगा। या तो 0 आना चाहिए था, 11 आना चाहिए था, 11 के टेबल में से कोई भी नंबर आ जाता तो ये कटता। ऐसे ही आगे डिविजिबिलिटी करते चले जाते हैं। जैसे अगर 12 की देखनी हो तो नंबर 3 और 4 से डिवाइड होना चाहिए, 13 की, ऐसे आगे चलती जाती है। तो इतने से ही हमारा काम चल जाता है डिविजिबिलिटी में। तो अब ये क्वेश्चन करके बताओ कि द नंबर ऑफ, ये इतना बड़ा नंबर लिखा है कि ये किससे डिवाइड होगा, और आपको तीन ऑप्शन दिए हुए हैं 11 9 4। छोड़ के जोड़ते 5 5 और 1 6 6 9 15 15 और 4 21 15 4 19 19 और 27 27 और 2 29 29 और 7 36। अब नीचे वाले जोड़ 8 + 2 10 10 + 7 17 17 + 5 22 20 + 2 + 1 23 23 + 9 32 32 + 4 36, और इन्हें माइनस करोगे तो जीरो आ जाएगा। तो ये ए पार्ट से भी डिवाइड होगा, तो इसका आंसर क्या आएगा, ए और बी। तो ये समझ लग गया शिल्पा? छिपरा समय लग गया? यस सर। कोमल लग गया समय? हाँ जी सर। ठीक है, अब ये ना मैं आपको अभी बताता हूँ कि ये जो पहले ये वाला क्वेश्चन भी कर लो, क्वेश्चन नंबर 6, या ये घर से कर लेना, नहीं तो अभी कर लो 2 मिनट में, अगर जल्दी से कर देते हो। बताओ इसमें कौन सा है। डी पार्ट आ रहा है, डी 9 3 4 5 5 1 2 0। ओके, डी पार्ट आ गया, ठीक है, चल बढ़िया। देखो 9 4 13 13 5 18 18 2 20, ये आ गया 3 5
8, 8, 1, 9 और 9 है जब इसमें से घटा देंगे तो 11 आ जाएगा और 11 से कट रहा है तो ये डी पार्ट आपका कट जाएगा। ठीक है, बाकी ऑप्शन भी घर पे चेक कर लेना ए बी सी। अब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये बाकी ये मैं बता रहा हूँ कि ये ट्रिक आई कहाँ से, ये आई टेबल से। जैसे अगर मैं 2 का टेबल लिखूं तो ये आपका 2 का टेबल है और इसके आप जरा यूनिट डिजिट पर फोकस करो तो देखो 2, 4, 6, 8, 0 2, 4, 6, 8, 0 इसीलिए कोई भी नंबर जिसका एंड में 2, 4, 6, 8, 0 हो वो 2 से कटता है। ऐसे अगर मैं 3 का टेबल लिख के देखूं और उसका आप जरा सम करके देखो तो आपको पता लगेगा। देखो 3, 6, 9, 2, 1, 3, 5, 1, 6, 8, 1, 9, 2, 1, 3, 4, 2, 4, 6, 2, 7, 9 तो हमेशा 3, 6, 9 आता है। इसलिए 3 के टेबल को हम सम करके देखते हैं तो वो अगर कट अगर 3 के टेबल में आता है तभी कटेगा। अगर हम 4 के देखें तो 4 क्या होता है, 4 होता है 2 × 2 तो 2 में देखते हैं लास्ट का एक डिजिट तो 4 में देखते हैं लास्ट के 2 डिजिट। ऐसे 8 में हम क्या देखते हैं लास्ट के 3 डिजिट। 16 में क्या देखते हैं लास्ट के 4 डिजिट क्योंकि उसमें 2 जो है 4 बार आता है। ऐसे अगर 5 पर चले और 5 का टेबल अगर हम लिखें तो आपको यहाँ पे लगेगा पता कि इसमें हर नंबर के पीछे 5050 आता है तो इसीलिए 5 से केवल वही नंबर कटते हैं जिनके पीछे 5050 आता है। 6 क्या होता है, 3 और 2 का मल्टीपल तो जो नंबर 3 से कटते हैं 2 से कटते हैं वो 6 से भी कटते हैं। 7 का टेबल देखो, अब यहाँ देखो 7 इसके डिजिट को जोड़ो 7, 4, 1, 5, 2, 1, 3, 2, 8, 10 अब देखो यहाँ पे देखो 7 से 5 में गया 2 का गैप, 5 से 3 में गया 2 का गैप, फिर इसने 7 जोड़ दिए तो इसीलिए हम इसकी ट्रिक में क्या करते थे यूनिट डिजिट में से 2 घटा के फिर उसको बाद में और रिमेनिंग नंबर से घटाते थे तो इसीलिए ये ट्रिक होती है। 9 का टेबल देखो, 8 का तो हमने कर ही लिया लास्ट के 3 डिजिट 2 की वजह से। अब आप इसके डिजिट का सम करके देखो तो देखो सम में 9 आएगा, 8, 1, 9, 3 तो इसीलिए ये भी वही सम वाली ट्रिक फॉलो करते हैं। ठीक है, देखो 10 का तो आपको पता ही है 10 के हर नंबर के पीछे 10 के टेबल में 0 आता है इसीलिए 0 वाले नंबर इसमें कटते हैं। 11 का टेबल देखोगे तो ये नंबर अपने आप में रिपीट होते हैं सारे इसीलिए ये पेयरिंग बना के चलता है एक एक डिजिट छोड़ के उसको मतलब कह सकते हैं नंबर एट इवन प्लेस नंबर एट माइनस नंबर ऑफ ऑड प्लेस और उनको माइनस कर दो तो जो है वो 11 की ट्रिक बन जाती है। बोलो इतना लग गया समझ? हाँ जी। ठीक है, अब देख ये क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 ये करो। कह रहा है बी इज द लार्जेस्ट स्क्वायर डिवाइजर ऑफ सी एंड ए स्क्वायर डिवाइड सी तो इनमें से कौन सा आंसर आएगा। ए पार्ट बी पार्ट सी पार्ट डी पार्ट सी पार्ट देख सी पार्ट में कह रहा है ए डिवाइड्स बी, क्या ए बी को डिवाइड करेगा? ए पार्ट में कह रहा है क्या बी ए को डिवाइड करेगा? अब देखो एक चीज समझो कि अगर ए बी का दोस्त है और बी सी का दोस्त है, ए बी का दोस्त है और बी सी का दोस्त है तो ऑटोमेटिकली सी और ए का दोस्त हो जाएगा क्योंकि अगर ए और बी में दोस्त फ्रेंडशिप है और बी में सी में फ्रेंडशिप है तो ऑटोमेटिकली सी और ए में फ्रेंडशिप हो जाएगी। तो बी सी को डिवाइड कर रहा है, ए सी को डिवाइड कर रहा है तो ऑब्वियसली बात है कि ए बी को डिवाइड करेगा तो ये जो ऑप्शन दिया ए डज नॉट डिवाइड बी, ए एंड बी आर को प्राइम, ये दोनों ही गलत हो जाएंगे। इन्हीं दोनों में से एक आंसर सही होगा, या तो ए सही होगा या सी सही होगा।
अब आप देखो यहाँ पे लिखा है बी इज द लार्जेस्ट स्क्वायर डिवाइजर, कह रहा है बी इज द लार्जेस्ट स्क्वायर डिवाइजर ऑफ सी। अगर ये लार्जेस्ट है तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए बी को डिवाइड करेगा, बी ए को डिवाइड नहीं करेगा, क्योंकि हमेशा छोटे नंबर से बड़े नंबर में भाग जाता है, बड़े नंबर से छोटे में भाग नहीं जाता है। तो उसमें कह रहा है बी इज द लार्जेस्ट स्क्वायर डिवाइजर, तो बी अगर लार्जेस्ट स्क्वायर डिवाइजर है तो ए डिवाइड्स बी, सी पार्ट आंसर आएगा, ए पार्ट नहीं आएगा। ये चीज समझ लगी? हाँ जी ठीक। चल अगला क्वेश्चन करते हैं, ये क्वेश्चन ट्राई करके देखो, क्वेश्चन नंबर 12। देखो क्या कह रहा है, व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन 4 की पावर 1000 इज डिविजिबल बाय 7। तो ये क्वेश्चन कैसे करेंगे, 4 की पावर 1000 को डिवाइड करेंगे 7 से, तो आपको रिमाइंडर बताना है क्या है। तो इसको नंबर को ना हम छोटा करते करते चले जाएंगे जिससे कि जल्दी हो जाएगा, जैसे कि इसमें काफी स्टेप फॉलो होते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसको लिखेंगे 4 की पावर 2, 2 की पावर 500 डिवाइड बाय 7। यहाँ पे 4 की पावर जो 1000 थी उसको हमने 1000 को लिख लिया, 500 इंटू 2। अब अगर ये 4 की पावर 2 को आप ओपन करोगे तो कितना आ जाएगा, 16। और अगर जब हम 16 को 7 से डिवाइड करें तो 2 बार भाग जाएगा, रिमाइंडर कितना बचेगा, 2। 7 को अगर आप 16 से डिवाइड करते हैं तो आपका रिमाइंडर कितना बचेगा, 2। हमसे वो रिमाइंडर ही पूछ रहा है, तो हम 16 की जगह क्या लिख देंगे, रिमाइंडर लिख देंगे 2। ऐसे हम आगे आगे बस रिमाइंडर लिखते चले जाएंगे और हमारा आंसर आ जाएगा फाइनल में, आखिरी में रिमाइंडर कितना बचेगा। अब 2 को लिखो, 2 की पावर 5, उसकी पावर 100। इसको फिर से ब्रेक कर लिया, 2 के पावर 5 कितना होता है, 32 होता है। अब अगर 7 से 32 को डिवाइड करके देखोगे तो आपके पास में रिमाइंडर कितना बचेगा, 4। तो अब यहाँ पे आप 4 लिख दोगे, 4 की पावर 100 की पावर 7। फिर से 4 की पावर 2 और फिर से इसे लिख देंगे 57। तो ये हो जाएगा 16 की पावर 50 बाई 7। तो फिर से रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 2 की पावर 50। अब 2 की पावर 50 को आप फिर से क्या लिखोगे, 2 की पावर 5 की पावर 10 और फिर उसको 7। 2 की पावर 5 में रिमाइंडर कितना बचता है आपके पास में, 2 की पावर 5 में यहाँ पे 4 बच रहा है, तो आप फिर से इसको 4 लिख दोगे। अब फिर से इसको करोगे, 4 की पावर ये 10 को आप कितना लिख सकते हैं, इसको आप लिखो 2 की पावर 2, 4 को लिख लेते हैं 2 की पावर 2 और उसकी पावर 10, तो ये जाएगा 2 की पावर 20 बाई 7। और फिर इसको आप मॉडिफाई कर लो, 2 की पावर 5, 5 की पावर 4 बाई 7। 2 की पावर 5 कितना, मतलब देखो 5 4 या 20 है, इसीलिए हमने इसको 4 को 2 की फॉर्म में कन्वर्ट किया। 2 की पावर 5 में रिमाइंडर कितना बचता है, 4। तो ये जाएगा 4 की पावर 4 और 4 की पावर 4 का मतलब आपका कितना हुआ, 4 इंटू 4 इंटू 4। तो ये हो जाएगा 4 4 जा 16, 4 4 जा 16। अब देखो 7 से अगर आप 16 को डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 2। और यहाँ पे रिमाइंडर करेगा 2। तो